जयमाता दी, आप दोनों में से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए देखेंगे आपके सेवन चक्र जो है, कौन से चक्र आपके बैलेंस है, कौन से चक्र आपके इनबैलेंस है, और आपको क्या करना चाहिए। ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर नंबर में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू, अच्छे से जूम करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर वन सेलेक्ट किया है उनके लिए देखते हैं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर वन सेलेक्ट किया है, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप बहुत अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। हम आपका जो है चक्र स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका जो मूलाधार चक्र है वो ठीक है ना, सही है। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज लग रहा है, आपके थर्ड आई चक्र में। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आपका मूलाधार चक्र सही है, मतलब बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब आते जाते रहता है धन, जो है आते जाते रहता है। कुछ स्टेबिलिटी भले ही नहीं आती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हार्ट चक्र ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले आपको किसी भी प्रकार से हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। आपको किसी किसी ने मतलब एक दुख मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड आई चक्र, तो उसको आप बार बार सोचते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र में आपको यहाँ पर वर्क करना है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं सेवन चक्र बैलेंसिंग के लिए। आप रेकी हीलिंग के लिए, रेकी हीलिंग के द्वारा आप सेवन चक्र बैलेंस कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड भी यही आया है कि आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी रिक्वायर, अगर आपको है तो बैलेंस की रिक्वायर है। क्योंकि देखिए, आपका मूलाधार चक्र एकदम सही है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हार्ट चक्र आपका ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। बार बार आप पीछे की बातों को सोचते हैं, बार बार किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपाया है। और ऐसा भी लग रहा है कि कार्मिक स्थिति थी आपके लिए, यहाँ पर पास्ट लाइफ का कोई स्थिति था। यहाँ पर थर्ड आई जो है ना आपका, मतलब आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं आप, यही कारण है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो आपका दो चक्र यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले समय में आप अपने सोल कनेक्शन से आपकी मुलाकात होने वाली है। मतलब अभी आपका जो है ना कार्मिक स्थिति था, जो आपका हार्ट ब्रेक जिन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। तो जो आपका पास्ट लाइफ का कर्म जब हील हो जाएगा, तो यही पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए, पास्ट लाइफ बोल रहे हो तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आपके लाइफ में, आपके सोल कनेक्शन की एंट्री होगी। क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है ना, आपको कभी कभी ड्रीम भी आता होगा किसी भी प्रकार से। तो ये जो है आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे लग भी रहा था, क्योंकि देखिए एकदम ज़्यादा बैलेंस मुझे यहाँ पर कोई भी चक्र नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मूलाधार चक्र तो कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसे हम दिनचर्या के किसी भी चीज़ों में, उसमें आपको कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। देखिए, यहाँ पर आपको मतलब जैसे हम कहते हैं ना, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती है। मूलाधार चक्र आपका क्योंकि बैलेंस है, सेक्रल चक्र भी आपका बैलेंस है, मणिपुर चक्र भी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे हार्ट चक्र और जो है थर्ड आई चक्र नज़र आ रहा है। तो इस पर आप वर्क कीजिए। बहुत ज़्यादा पास्ट की जो निगेटिव थाट है उसको मत सोचिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लाइफ में। देखिए, जो भी सिचुएशन हो चुकी है, जो भी पास्ट लाइफ का जो कर्म है, उसको आपने बहुत हद तक जो है क्लियर कर लिया है। बहुत लंबा चला है आपका ये जो कार्मिक स्थिति है। हो सकता है कि 11 तारीख के बाद या नवंबर तक, ठीक है, आपके लाइफ से ये जो कार्मिक स्टक स्थिति है वो हील हो जाएगा और आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। तो आप बिल्कुल हीलिंग सीख सकते हैं। आपके लिए मुझे ये स्ट्रांग फीलिंग यहाँ पर आ रहा है कि आपको हीलिंग सीखना चाहिए। जितना अगर आप हीलिंग सीखेंगे तो सेकेंड लेवल में आप देखेंगे कि सेवन चक्र आप बैलेंस कर रहे हैं। आप खुद से अपने चक्र को जो है बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़रूरतमंदों की यहाँ पर आपको सेवा करनी चाहिए। देखिए, जीवन अवधि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी पास्ट की जो पास्ट कर्माज हैं, वो आपके हील हो रहे हैं। कुछ रिश्ते जो कार्मिक अगर स्थिति है या कार्मिक रिश्ते हैं, वो आपके लाइफ से जाएंगे और सोल कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर 11 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 29, 11 नंबर, 22।
आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नजर आ रहे हैं, टेक केयर। अब हम सेकेंड, जिन्होंने सेकेंड नंबर का कार्ड सेलेक्ट किया उनके लिए देखते हैं। जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो कार्ड है वो सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि फरवरी के मंथ से आपका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है ना। तो हम आपके लिए सेवन चक्र देखते हैं। पहले तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं प्रणाम कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार से सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत हो सकता है, ठीक है, अगर आप महिला हैं तो भी, है ना, अगर आप मेल हैं तो भी, आपके बहुत सारे चक्र जो है ब्लॉकेज हैं अभी, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पर हीलिंग की। आप जितना ज़्यादा डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो चक्र है वो, क्योंकि सारे चक्र आपके यहाँ पर मुझे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपका सहस्त्रार चक्र और मूलाधार चक्र बस थोड़ा सा आपका हील है, बाकी सारे चक्र जो है आपके अभी ब्लॉकेज हैं। तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग जो है आगे आने वाले समय में आपका एक सोल पर्पस रहेगा और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और फरवरी का मंथ या 2 तारीख या 11 तारीख, ठीक है, 20 तारीख और 19, ये आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से रिजोनेट आप कर सकते हैं। ये है आपके लिए, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। आपको अपने चक्र को बैलेंस जरूर करना चाहिए। अगर आप रेकी हीलिंग नहीं भी करना चाहते तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी के गाइडेंस से आप अपने सेवन चक्र को बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस से ही आपको बैलेंस करना चाहिए। सेवन चक्र आप अपने हिसाब से किसी प्रकार की साधना ना करें, आप किसी के मार्गदर्शन में करें, ठीक है। तो अगर आप हीलिंग भी सीखते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर आप हीलिंग करते हैं तो भी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्योंकि आपका मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र थोड़ा सा बैलेंस है, इस वजह से आपको भले ही किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, जैसे आप अगर फीमेल हैं तो आपको किसी भी प्रकार से फीमेल से संबंधित कोई दिक्कत होती होगी, गैस की प्रॉब्लम होती होगी अगर आप मेल हैं तो भी, और यहाँ पर हार्ट चक्र, तो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उसको आप बहुत ज़्यादा बैगेज बनाकर यहाँ पर रखे हैं, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिसीव हो रही है। आपको बाहर कहीं हो सकता है कि आप अभी अभी या तो आप किसी जर्नी से आए हैं, या आप अभी आने वाले समय में कहीं पर घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर आपको किसी, मतलब ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव पर्सन का साथ मिल सकता है, या वहाँ पर आपको कोई मतलब कोई ऐसा पर्सन मिल सकते हैं जिनसे आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। आपके लाइफ में मेंटोर की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आप ना एक काम कर सकते हैं, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर चक्र भी आपका है और आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी नज़र आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो है ना, मतलब गुरु मिलना आसान नहीं होता, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेंटोर मिलना आसान नहीं होता। जब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं, आप साधनाएं करते हैं, ठीक है, और आप पहचान भी नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें नज़र इसलिए आ रही क्योंकि थर्ड आई चक्र यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने में अगर कोई आपके मेंटोर आ भी गए तो आप पहचान नहीं पाएंगे उनको, ऐसा लग रहा है। तो आपके लिए मैं यही बता रही हूँ कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं आने वाले समय में, या आप किन, मतलब जिनको भी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा, इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, परमात्मा जी, तो आप उनसे डेली रोज़ आप प्रार्थना कीजिए कि आपको एक अच्छे मेंटोर मिल जाए। आप अपनी सारी पास्ट लाइफ की या पास्ट की जो भूल चुके हैं उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, माफ़ी मांगिए, फॉरगिव कीजिए, और ये आप सुबह शाम कीजिए आपके लाइफ में, क्योंकि मेंटोर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे ही आपके लाइफ में मेंटोर आएंगे, आपके जो देखिए समर्पण के ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, जब आप परमात्मा जी पर पूरी तरीके से समर्पण करेंगे, है ना, जिन भी परमात्मा जी को आप मानते हैं, धारणाओं से आप अपने अनुमानों से दूर रखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉमिस किसी ना किसी के लिए है,
कि आपने या तो पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में किसी से आपने प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस जो है पूरा नहीं हो पाया है, ये प्रॉमिस किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि ताकि आपको ड्रीम में कुछ नज़र आए और आपको याद आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो पास्ट में आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी और ने आपका दिल दुखाया है, तो उनको माफ़ कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए। अगर नहीं संभव है तो परमात्मा जी के पास भी आप माफ़ी मांग सकते हैं। जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनके शरण में रहिए, और जिनसे भी मतलब कुछ ऐसा चीज़ हो गया है आपसे, तो दिल से आत्मा से माफ़ी मांगिए, क्योंकि हमारा जो है ना सोल से ही कनेक्शन होता है ना। आपको पूरी तरीके से इष्ट देव जी पर समर्पण करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्तमान स्थिति में आपके लिए ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो भी टॉक्सिसिटी है उससे आपको दूर रहना है। किसी भी प्रकार की टॉक्सिक बातें, किसी भी प्रकार की टॉक्सिक सोच, किसी प्रकार से आपके खुद के अंदर अगर निगेटिविटी है, किसी भी निगेटिव थॉट अगर चल रहा है या निगेटिव टॉक चल रहा है, तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है तो आपको वहाँ से उड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी, वैसे तो किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आपके चक्र के अनुसार और आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपको भले ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में इतने समय से हैं, ठीक है, लेकिन आप इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप या तो किसी के लिए गलत सोच रख रहे हैं या कोई और आपके लिए रख रहा है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से पॉजिटिव तरीके से लेना है, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। यहाँ पर क्रोध बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो देखिए क्रोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप मंगलवार के दिन कीजिए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा आप मतलब लाल कलर का प्रयोग थोड़ा सा कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको लाल कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा भी लग रहा है। ग्रीन कलर का प्रयोग, येलो कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं। टेक केयर। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग थी, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। जनरल रीडिंग है, बार बार कहती हूँ, तो जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, चक्र बैलेंसिंग के लिए आप कर सकते हैं, रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।